ऐसी पोजीशन देखी कि पापा जी की यहाँ पे देखो ग्लूकोज लगी हुई है। पापा जी इतने बुरी तरह से बीमार हो गए हैं दोस्तों, इन्हें गर्मी लगी है और मम्मा जी इनकी नवरत्न तेल से मालिश कर रही हैं। इनका कब से हेडेक हो रहा था और अभी ये थोड़ी देर में सेट हो जाए। हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं हूँ स्नेहा राजपूत और मैं दोबारा व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि दोपहर हो गई है और अभी हम सुबह उठे थे और हमें एक बुरी खबर सुनने को मिली है कि हमारे घर के सबसे अच्छे, सबसे बड़े, सबसे मतलब वो महान जिसे कहते हैं, वो वाले मेंबर ना बीमार हो गए हैं और उन्हें सुबह ग्लूकोज लगी है। और जब हम आए तो हमने ऐसी पोजीशन देखी कि पापा जी की यहाँ पे देखो ग्लूकोज लगी हुई है। पापा जी इतने बुरी तरह से बीमार हो गए हैं दोस्तों, इन्हें गर्मी लगी है और मम्मा जी इनकी नवरत्न तेल से मालिश कर रही हैं। इनका कब से हेडेक हो रहा था और अभी ये थोड़ी देर में सेट हो जाएंगे, वरना ये बहुत बीमार हो रहे थे और अभी ये हॉस्पिटल से आए हैं। हमने देखा तो हम बिल्कुल ही शॉक हो गए और इधर सारे देख रहे हैं, चिंता बाटी पापा जी को और ये नानी जी बैठी हुई हैं यहाँ पे और ये चाची जी। पापा जी व्लॉग नहीं बना सकते इसलिए थोड़ी देर के लिए मैं बना रही हूँ व्लॉग दोबारा से। और ये रहा हमारा माधव जो इस वक्त आंटी बना हुआ है और अभी पापा जी की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है दोस्तों, चलो हम थोड़ी देर बाद मिलते हैं। दोस्तों पापा जी बीमार हो रहे थे ना, इस करके कोई भी नहीं आया आज, ना आज टाइल्स वाले आए और ना आज किचन वाले आए। लेकिन हमें अपने बाथरूम और स्टोर रूम का गेट बनवाना था, इस करके एक मेंबर आए हैं तो वो अपना काम कर रहे हैं यहाँ पे सारे, आप देख सकते हो। और अभी यहाँ पे सुना सुना है क्योंकि कोई नहीं आया, पापा जी बीमार थे ना, वो सबको पापा जी सबको लीड करते हैं कि कैसा काम करना है कैसा काम नहीं करना, तो इस करके कोई नहीं आया। और अभी हमारा ऐसे बीच बिचारे में काम रुका हुआ है, हाफ ही हुआ है, हाफ रह गया। और ठीक है दोस्तों, ओके। हेलो दोस्तों, कैसे हो? अभी उठा हूँ दोस्तों, आज मैं बीमार हो गया था, रात भी थोड़ा सा बीमार ही था, आज तो ज़्यादा ही बीमार हो गया था, ग्लूकोज भी लगाना पड़ा दोस्तों। अभी जाके होश आई है, देख लो कितने बज गए हैं, 7:30 बजे हैं। आज दिन में थोड़ा सा उठा था और ने स्नेहा राजपूत को बोला था कि थोड़ा सा ब्लॉग बनाना, और अभी उठा हूँ दोस्तों। देखो कंबल लेके पड़ा था, यही देखिए कंबल लेके पड़ा था दोस्तों मैं। नवजी रविता रानी अभी यहीं बैठी है, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है, सिर दर्द हो रहा है, अभी पूरा दवा के चक्कर आ रहे हैं। पर अब डॉक्टर से बात की थी, डॉक्टर बोला है कि अभी नहा के देखो, क्या पता सेट हो जाए। अभी मैं बाहर भी नहीं निकला हूँ आज, बस ग्लूकोज लगा के बैठा था दोस्तों। चलो ये आपकी दुआ है, मैं ठीक हो गया हूँ पर इतना नहीं हुआ हूँ। चलो ये नहा के अभी देखते हैं क्या माहौल बनता है, तो नहा के आपको मिलता हूँ, ठीक है दोस्तों? बढ़िया मूड फ्रेश से, ठीक है दोस्तों, दाढ़ी दूढ़ी बना लूँगा साथ में। चलो जी मिलता हूँ थोड़ी देर में दोस्तों। हेलो दोस्तों, लो जी ना तो के पर रेडी हो गया है, पर सिर दर्द बहुत हो रहा है, पर हम दवाई लेनी है, डॉक्टर का फोन आया, कहना दवाई ले लो आराम करो। अब क्या करें बच्चे तो सारा दिन मोबाइल देखते रहते हैं। और अभी खाने में बनाया गुड़, और दूध में गुड़ डाल के उसमें 2 रोटी चूरी हुई है, ठंडे ठंडे गुड़ में देखेंगे अब क्या टेस्ट आता है इसमें। और ये ठंडा होता है दोस्तों, गर्मी बहुत है और हाजमा भी सही रखेगा। दूध में गुड़ और रोटी को मिक्स करके खाएंगे, ठीक है दोस्तों? और ये देखिए रविता रानी मोबाइल देखती रहती है हर वक्त, और बीबी रोटी खा रही है, सुनेहा रानी दे रही है। दोस्तों अपना भी सर बहुत दर्द हो रहा है इसके कारण। लो जी दोस्तों, कोई बात नहीं, मिलते हैं खा के और दवाई लेके फिर दिखा देखते हैं सेट होता है या नहीं, ठीक है दोस्तों? और स्नेहा तू ब्लॉग बना दे 2 मिनट, मैं रोटी खा लेता हूँ। हेलो दोस्तों, देखो अभी पापा जी खा रहे हैं खाना और नानी जी भी खाने में लगी हुई हैं, वो भी खा रही हैं, वो भिंडी के साथ खा रही हैं, मम्मा फ़ोन देख रही हैं और इधर पापा जी भी खा रहे हैं। हेलो दोस्तों, आपको बताया था ना गुड़ और दूध और रोटी चूर के खा रहा हूँ, थोड़ी ठंडी होती है, दिमाग ठंडा हो जाएगा। हाँ जी, और जो हमने घर
लगाया है वो कुछ दिखाओ ही नहीं सुनेहा। और जो आज काम हुआ है मैं आपको वो दिखाती हूँ। आज टाइल्स वाले तो आए नहीं थे तो आज कोई काम नहीं हुआ टाइल्स का, बट आज आए थे वो वाले जो किचन का काम करते हैं, उन्होंने ये गेट बनाया हमारे न्यू गेट है दोस्तों। ये देखो ये दो गेट बनाए हमारे न्यू, कैसे लग रही है आप ज़रूर बताना। और अंदर सारे खा रहे हैं, इधर माधव शैतानियाँ कर रहा है और चाची जी अपने रसोई को कर रही है, और इधर हम आप देख सकते हो हमारा कितना अच्छा लग रहा है। ये आप देख सकते हो, देखो हमारी सारी जगह टाइल्स लग गई हैं, आप देख सकते हो दोस्तों। ये गेट पानी कौन गिरेगा सारे, ओ यहाँ पे हो रही है, और हमारी किचन। चलो दोस्तों हम फिर मिलते हैं रात को। ओके दोस्तों देखो सबने रोटी खा ली है और चाचू जी भी आ गए हैं शॉप से, ये और ये लेके आए हैं, ये खेलने के लिए लेके आए हैं शटल कॉक, और बैडमिंटन भी लेके आए हैं। और अभी खाना खाने के बाद हम खेलेंगे, और इधर मम्मा जी चाचू जी साथ में मैंगो भी लेके आए हैं, और मम्मा मैंगो का जूस बनाएंगे। अब आप देख सकते हो मम्मा काट रही हैं ये, और पापा जी रेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, और मैंगो भी लेके आए हैं। ओहो प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया। ये देखो दोस्तों आप हमारे ठाकुर जी के दर्शन कीजिए, जय श्री राधे राधे। और ये बनाना भी लेके आए हैं, और लेके आए हैं बेल पत्थर, और चाची जी भी खाना खा रही हैं क्योंकि वो पहले बना रही थी, और इतनी सारी चिड़िया आ गई हैं। और यहाँ पे खुला भी तो हुआ था, मम्मा कह रही है एक लेके सारी धर दो दोस्तों। और चलो ठीक है दोस्तों, हम थोड़ी देर बाद मिलते हैं जब बनाना शेक बन जाएगा। हेलो दोस्तों देखो मैंगो शेक बन गया, और हमने अभी वीडियो भी बना लिया है सारा सेटअप। मैं मित्रों परेश हार्ट वाली आइस हार्ट मेरे वाले जूस में भी डाल देना। देखो दोस्तों कितने सारे ग्लास है, हार्ट बीट पा रहे हैं, बढ़ जाऊंगी। हाँ जैसे कि पापा जी वो बीमार है, पापा जी हार्ट बीट कट रही, पापा जी की तबीयत खराब हो रही है, और ये नानी जी वीडियो भी देखा होगा पापा जी आ नहीं रहे आजकल। हाँ जी, और ये चाची जी, और इधर बैठी है मम्मा जी, सारे अपना अपना जूस एंजॉय कर रहे हैं। मेरा भी जूस है दोस्तों यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये देखो ये मेरा जूस है, बहुत टेस्टी जूस बना हुआ है। पापा जी शेक है, शेक जूस नहीं का शेक। हाँ जी मैंगो शेक बहुत अच्छा बना हुआ है, और पापा जी पी नहीं रहे हैं क्योंकि पापा जी की तबीयत खराब हो रही है, इस करके आपको बताइए दोस्तों बहुत अफसोस की बात है, और इस करके मुझे उनकी इतनी मेहनत वाले ड्यूटी निभानी पड़ रही है, मुझे ब्लॉग बनाना पड़ रहा है। और अभी हम फिर मिलते हैं दोस्तों, आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो इस ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद मित्रों।